वीडियो में हम कंपेयर करने वाले एंड्रॉइड की दुनिया के तीन बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन को, और इस वीडियो को सिंपल करने के लिए हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा है, सूर्य के प्रकाश में, पेड़ की छाओ में और चंदा मामा के अंधेरे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है एंड्रॉइड की दुनिया के तीन तगड़े स्मार्टफोन, और इनकी स्पेसिफिकेशन की बात तो नहीं करेंगे, बट जैसे हमने बताया इनको तीन कंडीशन में हमने अच्छे से टेस्ट कर लिया है। तो स्टार्ट करेंगे दिन से। अब तीनों स्मार्टफोन के कैमरास 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर अभी हम डायरेक्ट हार्श लाइट में, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि कौन अच्छी लाइट कंट्रोल कर रहा है। बाकी नॉर्मली शेडो में तो तीनों ही काफी अच्छी लाइट कंट्रोल कर लेते हैं। अब एक बात तो यहाँ पर वीवो को सच में सुधारनी चाहिए, वो है भाई अभी 2022 के अंदर ये सिर्फ 1080p 30 FPS का फ्रंट में ऑप्शन दे रहे हैं, और लाइट कंट्रोल भी तीनों फोन में सबसे कमजोर इसी के अंदर लग रहा है। बाकी स्टेबलाइजेशन तो मेरे को भाई सैमसंग की बेस्ट लग रही है, और गूगल पिक्सल भी कम नहीं है। बाकी आप बताना नॉइस कैंसिलेशन और वीडियो क्वालिटी आपको किसकी अच्छी लग रही है। तो हार्श लाइट में वीवो को फ्रंट कैमरे में लाइट कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके अलावा बैक कैमरे अल्ट्रा वाइड से जब हमने तीनों से वीडियो रिकॉर्ड करी, सबसे बैलेंस जो देखने के लिए मिला वो सैमसंग के अंदर था, क्योंकि यहाँ पर डिटेल्स अच्छी थी, कलर्स भी काफी अच्छे थे, और वीवो फिर से चमकाने पर फोकस करता है। बाकी यहाँ पर हमने सिनेमैटिक वीडियो मोड के अंदर भी वीडियो रिकॉर्ड करी, और एज डिटेक्शन जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि सैमसंग का सबसे कमाल का है, और कलर्स गूगल के सबसे अच्छे थे, और वीवो तो सबसे ज्यादा वियर्ड परफॉर्म कर रहा था इसमें, और इस चीज का फीडबैक काफी बार दिया वीवो को, लेकिन अभी तक ये चीज फिक्स नहीं की गई है। इसके अलावा लो लाइट फ्रंट कैमरे में गूगल सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, सैमसंग में डिटेल की काफी कमी है। और हमने जब मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करी लो लाइट के अंदर, तो हमने देखा कि सैमसंग में जो बैकग्राउंड के कलर्स थे वो ज्यादा अच्छे थे, लेकिन ऑल ओवर अगर मैं सब्जेक्ट को देखूं तो गूगल ने काफी अच्छे से एक्सपोज किया हुआ है। इवन डिटेल्स भी भाई सैमसंग के अंदर सबसे कम देखने के लिए मिली लो लाइट के अंदर, बट जैसे आप अल्ट्रा वाइड में स्विच कर जाओगे ना, यहाँ पर सैमसंग सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, यहाँ पर कोई भी डिटेल में कमी नहीं है, इवन कलर्स भी सबसे बैलेंस इसी के अंदर मिलते हैं। गूगल और वीवो में ग्रेन्स काफी भरपूर मिलते हैं, लगता है मच्छर चल रहे हो। इसके अलावा तीनों फोन के अंदर जैसे सिनेमैटिक वीडियो मोड है, तो लो लाइट में भी हमने वीडियो रिकॉर्ड करी, और वीवो में ऐसे लगता है जैसे ऑयल पेंट कर दिया हो। बाकी यहाँ पर एज डिटेक्शन सैमसंग का सबसे कमाल का है, फिर वीवो का, और गूगल के अंदर अगेन लो लाइट के अंदर ना तो एज डिटेक्शन अच्छा है, और इसके अंदर मच्छर काफी सारे घूमने लग जाते हैं। बाकी हमने नाइट में वीडियो रिकॉर्ड करी, और गूगल में हमेशा की तरह मच्छर सबसे ज्यादा है, सैमसंग सबसे बैलेंस परफॉर्म करता है, वीवो के अंदर थोड़ा सा स्किन टोन मेरे को लग रहा है कि रेडिश ज्यादा हो गया, अदरवाइज वीवो भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है फ्रंट कैमरे में। बाकी बैक कैमरे में भी सैमसंग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है स्ट्रीट लैम्प के नीचे। तो इन तीनों ही कैमरास में हमने जितना देखा, वीडियो के मामले में सैमसंग सबसे ज्यादा बैलेंस परफॉर्म करता है, और ऑडियो और स्टेबलाइजेशन तो आपने देख लिया, वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इन तीनों फोन के कैमरास तो काफी डिफरेंट है, लेकिन हम आपको एक काम की ऐसी एप्लीकेशन बताएंगे जो हर एक फोन के अंदर कॉमनली वर्क करती है, यह पीडीएफ एलिमेंट। इस एप्लीकेशन के अंदर आप किसी भी पीडीएफ को काफी आसानी से एडिट कर सकते हो, जैसे कि हम वर्ड फाइल को एडिट करते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर आप किसी भी पीडीएफ के टेक्स्ट के फॉन्ट को, स्टाइल को आसानी से चेंज कर सकते हो। इवन अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है या किसी चीज को कॉपी पेस्ट करना है, तो वो भी इसके अंदर आसानी से चुटकियों में हो जाता है। बाकी इसके अंदर काफी सारे एनोटेशंस के टूल मिलते हैं, जैसे कि आप किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो, उसे हाईलाइट कर सकते हो, इवन इसके अंदर फ्री हैंड ड्रॉइंग भी मिलती है, और साथ ही अगर आप स्टिकी नोट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर आसानी से हो जाता है। बाकी इस एप्लीकेशन की एक बात अच्छी है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसे पीडीएफ की तरह सेव या सेंड कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट है तो आप उस पर पासवर्ड भी लगा सकते हो, और इसके अंदर मल्टीपल पीडीएफ को एक साथ मर्ज भी किया जा सकता है, इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर भी किए जा सकते हैं, और इसके अंदर डार्क मोड जैसे काफी सारे फीचर्स भी मिलते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ से ज्यादा काम पड़ता है तो मैं कहूंगा कि एक बार पीडीएफ एलिमेंट को ट्राई जरूर करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दोनों में डाल दूंगा। अब फ्रंट कैमरास की बात कर ली जाए, तो यहां पर हमने फोटो कैप्चर करी और देखा कि सैमसंग और गूगल ऑलमोस्ट सेम फोटो कैप्चर करते हैं, लेकिन गूगल के अंदर क्या है कि अगर आपको वार्म टोन पसंद है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, बट इसके अलावा मैंने एक चीज देखी कि मैक्सिमम टाइम में जो कंसिस्टेंसी है वो सैमसंग की ज्यादा अच्छी है, लेकिन सैमसंग के पास डिटेल उतनी ही कम है। सबसे ज्यादा अच्छी डिटेल वीवो के पास मिलती है फ्रंट कैमरे में, हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर लाइट कंट्रोल गूगल का सबसे अच्छा है, लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड सैमसंग के पास ज्यादा अच्छा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सैमसंग के पास सबसे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन का कैमरा है, लेकिन इसके बाद भी इसके पास डिटेल सबसे कम है, बट डेप्थ ऑफ फील्ड सबसे अच्छा है इसी वजह से। इसके अलावा अपोजिट लाइट में सबसे बैलेंस गूगल परफॉर्म करता है, लेकिन गूगल के पास मेरे को लगता है यहाँ पर ओवर शार्पनिंग मिल रही है, मैं बीएड पर देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड डायरेक्ट सनलाइट के अंदर गूगल का सबसे कमजोर है, सबसे अच्छा सैमसंग का ही परफॉर्म करता है, और वीवो का भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप कान से देखो ना, तो कान के पास से बिल्कुल गंदा एज डिटेक्शन है गूगल के अंदर, सबसे अच्छा सैमसंग ही परफॉर्म करता है एज डिटेक्शन के मामले में, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी अपोजिट सनलाइट अगर आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर करते हो, सैमसंग सबसे बेहतर परफॉर्म करता है, इसकी डायनेमिक रेंज अच्छी है, वीवो ने काफी हद तक सिनेमैटिक लुक दे दिया है फोटो को, और गूगल के अंदर डायनेमिक रेंज की बहुत कमी है। अब अगर आप फूल पत्तियों की ज्यादा फोटो कैप्चर करते हो, तो हमने भी कैप्चर करी है मेन कैमरे, सबसे अच्छा परफॉर्म करता है यहाँ पर वीवो, उसके बाद
बाद गूगल, गूगल को मैंने बाद में इसलिए रखा है क्योंकि वॉर्म टोन लगा लेता, और सैमसंग में जो फूल की पंखुड़ियां है थोड़ी ज्यादा ही चमक गई है। लेकिन अगर आप सैमसंग के कलर देखे तो सबसे ज्यादा वाइब्रेंट है, ज्यादा आई प्लीजिंग लगते हैं, और गूगल के अंदर थोड़े से नेचुरल लगते हैं। इसके अलावा हमने आधी धूप और आधी छांव में फोटो कैप्चर करी और सबसे बेहतर परफॉर्म करता है यहाँ पर वीवो। गूगल में कुछ ज्यादा ही डल हो गए हैं कलर्स और सैमसंग में कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो गए, लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स कर दे तो वीवो की फोटो निकल कर आएगी और सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्म करता है मैक्सिमम डेलाइट कंडीशन के अंदर। लेकिन अगर हार्श लाइट की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू सनलाइट सैमसंग सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप बात करेंगे सबसे अच्छी लाइट कंट्रोल किसने की है तो यहाँ पर गूगल सबसे अच्छी लाइट कंट्रोल करता है क्योंकि इसने एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लिया। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में शेडोज को देखोगे तो सैमसंग सबसे ज्यादा अच्छी शेडोज हाईलाइट करता है। वहीं पर अगर फेस के टेक्सचर की बात आएगी तो गूगल का फेस पे टेक्सचर सबसे ज्यादा कमाल का लगा। बाकी अपोजिट सनलाइट के अंदर सबसे बेहतर सैमसंग परफॉर्म करता है। अगेन गूगल ने कुछ ज्यादा ही काला कर दिया और वीवो में थोड़े ज्यादा एचडीआर शो गई है फोटो। बाकी पोर्ट्रेट मोड 1x के अंदर सबसे वाहियात गूगल का ही परफॉर्म करता है। यहाँ पर एक तो इसका एज डिटेक्शन भी अच्छा नहीं है, ऊपर से थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग करता है, लेकिन वीवो का सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आपको थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी फोटो पसंद है तो सैमसंग का पोर्ट्रेट मोड आपके लिए है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम टेलीफोटो कैमरा सेंसर की। पिक्सल और वीवो के अंदर 2x मिलता है और वहीं पर सैमसंग के अंदर 3x, लेकिन पिक्सल का 2x मतलब 3x यहाँ पर ज्यादा जूम कर लेता है और ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। एक तो ओवर शार्पनिंग और ऊपर से एज डिटेक्शन सबसे ज्यादा वाहियात, मतलब जिस कंपनी ने पोर्ट्रेट मोड की शुरुआत की थी वही आज सबसे पीछे है। ना एज डिटेक्शन अच्छा है, ना ही स्किन का टेक्सचर अच्छा है। यहाँ पर सबसे बेहतर सैमसंग परफॉर्म करता है हर एक कंडीशन के अंदर, इवन इसका एज डिटेक्शन भी सबसे ज्यादा फाइन है। बाकी अल्ट्रा वाइड में हमने फोटो कैप्चर करी, वीवो के अंदर ज्यादा आई प्लीजिंग स्काई नोटिस हुआ है मेरे को मैक्सिमम टाइम, लेकिन यहाँ पर सबसे बैलेंस सैमसंग ही परफॉर्म करता है। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड में फ्लेयर सबसे अच्छा कंट्रोल करता है गूगल, और सैमसंग सबसे कमजोर है इस मामले में। बाकी यहाँ पर अगर आप जूम की बात करें तो सैमसंग 100x तक डिजिटल जूम कर सकता है। पिक्सल के अंदर भी भाई पेरिस्कोप कैमरा सेंसर है, वीवो के अंदर भी है, लेकिन सबसे तगड़ा सैमसंग का ही परफॉर्म करता है, उसके बाद वीवो का, और यहाँ पर सबसे कमजोर गूगल का है। बाकी यहाँ पर हमने लो लाइट में बहुत सी फोटोज कैप्चर करी है और यहाँ पर वीवो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। सैमसंग ज्यादा चमकाने पर फोकस करता है और गूगल अगेन काफी डल कर देता है। यहाँ पर वीवो सबसे ज्यादा बैलेंस परफॉर्म करता हुआ मैंने देखा है। और पोर्ट्रेट मोड में तो वीवो और सैमसंग में आप फर्क ही नहीं बता सकते 1x में। सबसे वाहियात हालांकि गूगल परफॉर्म करता है, लेकिन अगर मैं वीवो और सैमसंग में एज डिटेक्शन की बात करूं तो बेहतर यहाँ पर सैमसंग का ही परफॉर्म करता है। बाकी यहाँ पर टेलीफोटो कैमरा सेंसर में सैमसंग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, इवन यहाँ पर वीवो तो कभी कभी बैकग्राउंड में फोकस लेना ही भूल जाता है। इसके अलावा शाम के टाइम में हमने अल्ट्रा वाइड से फोटो कैप्चर करी एंड अगेन सैमसंग तगड़ा परफॉर्म करता है, काफी सिनेमैटिक सा लुक दे देता है फोटो को। और इसी के साथ फ्रंट कैमरे में भी सेम ही सीन है, सैमसंग का जो फ्रंट कैमरा लो लाइट में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। अब लो लाइट से मतलब मेरा शाम से है। यहाँ पर वीवो भी अच्छा परफॉर्म करता है काफी टाइम, लेकिन इसमें ना काफी बार ग्लो कर जाती है स्किन कुछ ज्यादा ही। बाकी अब नाइट मोड की बात कर लेते हैं जिसमें कि वीवो का मेन कैमरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है हर एक कंडीशन में, चाहे ह्यूमन सब्जेक्ट की बात हो, इवन इसके पास डिटेल भी तगड़े भाई साहब, और स्काई को भी यहाँ पर ज्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखता है। और नाइट मोड लगाती है तो वीवो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करता है। बट यहाँ पर फ्रंट कैमरे में वीवो कुछ ज्यादा ओवर एक्सपोज कर देता है और गूगल को पीलिया हो जाता है, जिसे जॉइंटिस हो गया, बीमार हो गया ये। बट इन सब में सैमसंग सबसे ज्यादा बैलेंस परफॉर्म करता है। तो ऑल ओवर हमने जितना इन तीनों फोनों को पिछले दिनों में टेस्ट करा है, हमने ये एनालाइज करा कि हर फोन किसी ना किसी कंडीशन में बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन अगर तीनों में से एक ऐसा फोन बताऊं जो ज्यादातर कंडीशन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो वो है सैमसंग S22 अल्ट्रा। बाकी यहाँ पर जो वीवो है इसको काफी अच्छी टक्कर दे देता है, लेकिन फ्रंट कैमरे में वीवो को काफी काम करने की जरूरत है। एक तो लाइट कंट्रोल और दूसरा इसमें वीडियो में फ्रंट कैमरे में स्टेबिलाइजेशन नहीं मिलती अभी भी, और गूगल तो अलग ही खेल रहा है इसमें, तो भाई लो लाइट के अंदर मच्छर काफी घूम रहे हैं। तो अगली बार से मेरे को लग रहा है गूगल वालों को ऑल आउट देना चाहिए फ्री में। बाकी पोर्ट्रेट मोड में तो बहुत ही बुरा हाल है, जो चीज इन्होंने स्टार्ट करी थी उसमें सबसे ज्यादा कमजोर परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी आप अपनी ओपिनियन जरूर मुझे कमेंट्स में देना कि आपको तीनों में से किसका कैमरा अच्छा लगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। 20,000 लाइक्स का एम करते हैं, काफी मेहनत करिए, अच्छा लगेगा अगर 20,000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन वाई गाइस, टू वॉच योर हार्ट, फिल स्टे ट्यून विद द HFVN बॉक्स गाइस, बाय।